दोस्तों आज देखेंगे तो निफ्टी जो है एक पॉजिटिव क्लोज यहाँ पे दिया है, और कल हमने देखा था कि मार्केट ने एक नेगेटिव पैटर्न बनाया था, लेकिन आज उसके नीचे मार्केट गया नहीं। और आज जो कैंडल बनाए जिसको हम कहते हैं कि इनसाइड कैंडल, तो इनसाइड कैंडल क्या होता है और उसके बाद कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। तो आप ये वीडियो आगे तक देखते रहिए। सो हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरुज चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट डेली व्यू। मार्केट डेली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 7 फरवरी को मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी, और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे निफ्टी से। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे निफ्टी देखेंगे तो यहाँ पे 157 पॉइंट पॉजिटिव है और बैंक निफ्टी 134 पॉइंट नेगेटिव है। तो ये इक्वेशन होता ही है जब भी कि निफ्टी के शेयर्स कोई पॉजिटिव है, जैसे कि आईटी और ये जो स्टॉक थे पॉजिटिव थे और बैंक निफ्टी के जो स्टॉक थे वो नेगेटिव थे। तो यहाँ पे जब भी ऐसा मार्केट होता है तो ट्रेड करने में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर दोनों भी एक साथ ऊपर या नीचे जाते तो अच्छा ट्रेडिंग होता है। रहा बात निफ्टी का, तो कल हमने एनालिसिस किया था निफ्टी का कि यहाँ पे निफ्टी में जो है कि एक नेगेटिव फॉर्मेशन बन गया है, लेकिन अगर कल के कैंडल के नीचे होता तो यहाँ पे नेगेटिविटी होती और मार्केट नीचे भी जाता था। लेकिन मैंने आपको दूसरा भी ये बताया था कि दूसरा क्या हो सकता है कि मार्केट ये जो है कि कल के हाई और लो के बीच में ही ट्रेवल कर सकता है। और जैसे कि ये कल का हाई और लो के बीच में कोई भी कैंडल आता है, जैसे कि आज का कैंडल आया उसको बोलते हैं इनसाइड कैंडल। तो ये मार्केट में एक ऐसे ही अच्छी गिरावट के बाद एक मार्केट एक थोड़ा साइडवेज यहाँ पे हो गया। अगर मार्केट ये रेंज में ही चलता है और ये रेंज आइदर साइड ऊपर या नीचे ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट हो सकता है। तो इनसाइड जब भी कैंडल आता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स सीरीज ऑफ कैंडल भी आ सकते हैं इनसाइड में। जितने ज्यादा कैंडल है उतना अच्छा है क्योंकि ब्रेकआउट भी अच्छा होगा। और यहाँ पे जब भी कल का कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल आ गया, इवन कल भी अगर ये ब्रेकआउट होता है ऊपर या नीचे तो एक जबरदस्त ब्रेकआउट हो सकता है। तो इनसाइड कैंडल का ये हमको जो है कि फायदा हो जाता है कि हम लोग वन साइड यहाँ पे भी ब्रेक होता है तो मार्केट बहुत ही अच्छा ब्रेक कर सकता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो आज का कैंडल पॉजिटिव है और जो है कि कल का लो ब्रेक नहीं किया है और यहाँ पे कल का हाई के आसपास यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो ये एक अच्छा संकेत है। और जैसे मैंने कहा था कि कल का जो ये था नेगेटिव कैंडल का हाई उसके ऊपर मार्केट ट्रेड करने लगे तो हम समझेंगे कि ये जो नेगेटिव पैटर्न आया था ये फेल होगा और हम लोग पॉजिटिव के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और उसके पहले मार्केट जो है कि कल का हाई और लो के बीच में ट्रेड करेगा जैसे कि वो कर रहा है, यानी अपना जो ए वाला प्रेडिक्शन था तो ये बराबर निकला है। तो उसके बाद हमको कल का हाई और कल का लो ये हमको देखना है कि कल ब्रेक होता है कि नहीं होता है। जिस साइड ब्रेक होगा उस साइड हमको वो ट्रेंडिंग एक ट्रेड बहुत ही अच्छा मिल सकता है। तो यहाँ पे लेवल कल के रेंज के अंदर ही है, तो यहाँ पे मुझे डेली में यहाँ पे कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है क्योंकि कल मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है। जस्ट ये है कि आज एडिशन ये है कि ये इनसाइड कैंडल बन गया। तो इनसाइड कैंडल का भी फायदा क्या हो सकता है ये मैंने आपको बताया। हम लोग इंट्राडे में भी देखेंगे कि आज मार्केट कैसे चला और कल भी हमको कैसे ट्रेड करना है वो देखेंगे हम लोग 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो 5 मिनट में हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो निफ्टी ने जो कल का जो डाउन साइड था उसमें बहुत ही अच्छा रिकवरी किया है। अगर हम लोग शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है। यहाँ पे आज का जो कि क्लोज और कल का है बहुत नजदीक है। जो लेवल है वो है 21961, ये बहुत ही अच्छा लेवल है। कल अगर इंट्राडे में शुरुआत में भी ये ब्रेक करता है तो हमको एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे बाइंग का मौका मिल सकता है। सेलिंग के लिए हम जो लेवल देखेंगे वो लेवल यहाँ पे होगा जो है 21869। 21869 के नीचे अगर जाता है तो हम लोग सेल करेंगे। जब भी मार्केट ए रेंज के आसपास अगर ओपन होता है तो ये दो लेवल हमारे लिए बहुत ही अच्छा यूज हो सकता है। अगर मार्केट गैप अप हो गया, सपोज कि मार्केट अगर थोड़ा गैप अप भी हो जाता है और फिर से ये लेवल के आप यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर भी जाता है तो ये ट्रेड आपके लिए भी अच्छा ही होगा। तो यहाँ पे जो लेवल्स है वहाँ पे कैसे मार्केट प्राइजेशन करता है और उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हो ये भी हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कि हमने देखा निफ्टी में इंट्राडे ट्रेड कैसे करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का कल जैसे कि वीकली एक्सपायरी है और हम लोग बैंक निफ्टी देखेंगे तो आज जैसे कि निफ्टी के अपोजिट उतना वो नेगेटिव है, लेकिन बैंक निफ्टी का अगर हम लोग इम्पोर्टेंट लेवल देखेंगे नीचे वो है 45432। ये जो लेवल है ये पहले देखो सपोर्ट का काम कर रहा था, तो यहाँ पे अभी तक बैंक निफ्टी आया भी नहीं है। तो बैंक निफ्टी एकदम कॉन्फिडेंस में डाउन भी और अप भी नहीं है, थोड़ा साइडवेज है। और ऊपर का जो लेवल होगा बैंक निफ्टी का वो होगा 46591। तो ये जो लेवल्स है एक्सपायरी के लिए दिन भी ये इंपॉर्टेंस हो गए, एक्सपायरी में क्या मूवमेंट करते हैं
वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो बैंक निफ्टी में ज्यादा कुछ क्लू नहीं है, एक थोड़ा साइड वेज है, ना निगेटिव ना पॉजिटिव, मैं ऐसे बोलता हूँ। यहाँ पे हमको इंट्राडे में 5 मिनट में कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पे देखिए कि एक लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया था 40/6/10। ये लेवल के नीचे कल अगर जाता है तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। बाइंग के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा इंट्राडे का एक लेवल यहाँ पे निकालता हूँ, और जो लेवल हमारे लिए होगा नया लेवल मैं यहाँ पे निकालता हूँ 5 मिनट के ऊपर, वो लेवल होगा 45/8/69, जो कि ये हाई था। 45/8/69 के ऊपर जाता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी का आज एक्सपायरी था, और यहाँ पे देखेंगे तो फिन निफ्टी में भी ज्यादा यहाँ पे मोमेंटम नहीं हुआ है, थोड़ा सा पॉजिटिव साइड यहाँ पे क्लोज हुआ है। फिन निफ्टी का नेक्स्ट लेवल है 24/18 के ऊपर, यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉजिटिव हमको लग सकता है। देखिए जो नजदीक वाला सपोर्ट है 20,188 का, इसका सपोर्ट है। इंटरडे में कैसे ट्रेड करना है हम लोग देखेंगे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग फिन निफ्टी में देखेंगे तो बाय करेंगे 20,418 के ऊपर बाय करेंगे, सेलिंग के लिए 20,278 के नीचे हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। दोस्तों कल हमने कुछ स्टॉक देखे थे, जैसे कि पहले सन फार्मा। अगर सन फार्मा में देखेंगे तो लगभग अपना हाई ब्रेक करने के बाद यहाँ पे 1% का इसने मूव दिया है। और दूसरा जो हमने देखा था जो हीरो मोटोकॉर्प, ये पॉजिटिव तो हो गया लेकिन प्रॉपर ज्यादा यहाँ पे ये नहीं दिया है, टारगेट नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे लॉस भी नहीं हुआ। तो हम लोग नए स्टॉक देखेंगे कल के लिए। तो पहला जो स्टॉक रहेगा एलएनटी, एलएनटी में यहाँ पे सिलेक्ट क्यों कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग एलएनटी में, तो ये जो है कि पहले एक सपोर्ट लेवल हुआ करता था, वहां पे इसने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया जो कि मरुभद्र टाइप कैंडल है, और इसके ऊपर 3426 के ऊपर कल जाता है तो हम लोग बाय करेंगे, और लेवल होगा 3492 का, ये पहला टारगेट यहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो है कि एसएलटेक। एसएलटेक देखिए कि ये लगभग ये ऑल टाइम हाई उसके आसपास इसने क्लोज दिया है, और हाई ऑफ द डे बहुत ही यहाँ पे पॉजिटिविटी आया है। तो जब ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो इसमें नया पावर आ जाता है। तो यहाँ पे 1626 के ऊपर हम लोग इसमें बाय करेंगे, और ये ऑल टाइम हाई है तो हम लोग एक 1% का टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये जो स्टॉक है कल के लिए दो स्टॉक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों जिन स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कल ये स्टॉक ऐसे चलने चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल से सीखना है मेरे साथ लाइव मार्केट में, तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। आने वाले 19 तारीख से हमारा लाइव मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस का क्लास शुरू हो रहा है, तो उसके लिए आप जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट कीजिए। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।